वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग साथियों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और न्यूज इन शॉर्ट में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो निजता के अधिकार से संबंधित है। दरअसल निजता का अधिकार और पुट्टा स्वामी केस दोनों किस प्रकार से संबंधित हैं और हाल ही में इसमें क्या नया देखने को मिला है, इस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल ये खबर प्रकाशित हुई है द इंडियन एक्सप्रेस में, सॉरी द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर प्रकाशित हुई है। सीसीटीवीज इन इस्पा वायलेट राइट टू प्राइवेसी से मद्रास हाई कोर्ट। दरअसल हुआ क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस्पा के अंदर जैसे मसाज सेंटर होते हैं, मसाज सेंटर जिसमें लोग जाते हैं और मसाज कराते हैं यानी कि रिलैक्स के मूड में, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो वहां पर उस इस्पा सेंटर के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते। तो इसको लेकर के मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो डिसीजन को लेकर के बातें क्यों कही जा रही हैं, क्यों चर्चा में हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है इस तरह की बातें कही गई हैं। तो दरअसल हुआ क्या है, एक एक करके कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, फिर उससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और डिसीजन में ये कहा गया है कि इस्पा के अंदर राज्य सरकार को, मतलब राज्य या सरकार को ताकझांक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब ये जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट का, ये 2020 में एक निर्णय आया था, मद्रास हाईकोर्ट का ही एक अलग बेंच ने निर्णय दिया था और उस बेंच ने ये कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है इस्पा सेंटर के अंदर। पुलिस ने ताक झाक को वहां पर, पुलिस ने सुरक्षा कारणों से केस में अनैतिक कार्य किए जाते हैं जो इस्पा सेंटर है, तो इसलिए पुलिस ने कैमरे लगाने की बात कही थी और उसी समय ये आया था कि ठीक है ऐसी जब बातें हैं तो हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट की ही एक बेंच ने कहा था कि वहां पर कैमरे लगाए जाने चाहिए। अब जो मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है उस डिसीजन को पलट दिया है, पहले के निर्णय को पलट दिया है। ये कहा है कि अब इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां पर रिलैक्स का अधिकार है, निजता का अधिकार है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है, इसलिए ये निर्णय नहीं दिया जा सकता। राज्य को या सरकार को इसमें ताक झांक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो मद्रास हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। आधार क्या बताया गया है, मद्रास हाईकोर्ट ने इसको आधार क्या बनाया है, किस आधार पर यह निर्णय दिया है, तो हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वर्ष 2017 का पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी वनाम या वर्सेज भारत संघ, और इसमें ये कहा गया था कि निजता का अधिकार सबका अधिकार है और इसके साथ वायलेशन नहीं किया जा सकता, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को टैग किया है और ये कहा है, मतलब कोर्ट किया है, टैग नहीं कोर्ट किया है, कि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। अब निजता का अधिकार शामिल है तो जो सरकार है यानी कि राज्य की बात की जा रही है, राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में या निजता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, निजता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वजह क्या है तो ये भी ध्यान रखना है, आराम का अधिकार, राइट टू रिलैक्स भी हमारा एक राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो इस्पा में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, इस पर केवल संदेह के आधार पर ये किसी व्यक्ति के आराम करने के अधिकार में दखल देने का पर्याप्त कारण जब तक न हो तब तक इसे नहीं किया जा सकता है, या फिर सिर्फ ये संदेह के आधार पर हम नहीं कह सकते कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए क्योंकि वहां पर अनैतिक कार्य हो रहा है। दूसरे शब्दों में बताऊं तो सिर्फ अनैतिक गतिविधियों के संदेह के आधार पर हम नहीं कह सकते कि आप सरकार यानी कि प्रशासन जाकर के किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में या उसके निजता के अधिकार में वो दखल दे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, संदेह ही पर्याप्त कारण नहीं है। आराम किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार
निजता के अधिकार का हिस्सा है, यानी कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के तहत ये निजता के अधिकार का हिस्सा है। अब और क्या कहा गया है, इस्पा के अंदर यदि सीसीटीवी कैमरा किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता सीसीटीवी लगाया जाता है तो किसी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता की ये खिलाफ माना जाएगा, खिलाफ है। इस्पा में राज्य या ऑब्लिक यहाँ पे लिखा गया है सरकार, दोनों बात एक ही है, को नजर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि निजता का अधिकार क्या है, तो निजता के अधिकार के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 3 में गारंटी कृत स्वतंत्रता ये उपलब्ध कराता है। किससे संबंधित है अगर ये बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता कई अलग अलग रूपों में शामिल है, जैसे दैहिक स्वतंत्रता या शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार है, सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार भी इसी में शामिल है, और इसके साथ साथ पसंद का अधिकार भी शामिल है कि आप क्या चीजें पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, गोपनीयता की भी बात आती है, और गोपनीयता का मतलब है कि राइट टू बी लेफ्ट अलोन, यानी कि अकेला छोड़ देना, उसका भी अधिकार इसमें शामिल है। तो इसी के आधार पर ये निर्णय दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में जो पुट्टा स्वामी केस में निर्णय दिया था उसमें क्या कहा था, तो निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद अधिकार है, और निजता के अधिकार में व्यक्ति से जुड़ी सूचनाओं के अलावा उसके लिए गए निर्णय भी शामिल हैं, और इस आधार पर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। प्रतिबंध की स्थितियां क्या हो सकती हैं, किन आधारों पर हमारे निजता के अधिकार, यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं या प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसकी निम्न 3 स्थितियां हो सकती हैं। राज्य की कार्यवाही के लिए विधायी जनादेश यदि हो तो लगाया जा सकता है। एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन, यानी कि सरकार अगर समझती है कि ऐसा करना आवश्यक है, अगर ऐसा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो उस उद्देश्य का पालन, वैध राजकीय जो उद्देश्य है उसका पालन करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। और तीसरा कहता है राजकीय कार्यवाही कम से कम दखल देने वाला हो, अगर किया भी जाए, अगर सरकार करना भी चाहे, दखल करना भी चाहती है, तो राज्य की कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि किसी के भी मौलिक अधिकारों का कम से कम उल्लंघन हो, या कम से कम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई, और ये पुट्टा स्वामी केस भी आपको समझ में आया, निजता का अधिकार हमने इस पर बात किया, मद्रास हाईकोर्ट का क्या डिसीजन है हमने इस पर बात किया। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा। अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नमस्कार।